मेरा सवाल है आपसे कि आपने जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमेशा आपने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को रखा। उन्होंने आपने हमेशा कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए। सरकार ने प्लान भी बनाया, ट्रेनें भी चलाई, लेकिन उस ट्रेनों का लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाया कि वो अपने राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये आरोप राज्य सरकारों पर लगाया जा रहा है रेल मंत्री के द्वारा। किस तरह से आप इस आरोप को देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार है। तो ये शुरुआत ही हमने की थी, मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए।